राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। आप इन्हें जानते होंगे लेकिन आज नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। विश्व मातृभाषा दिवस जो 21 तारीख को मनाया जाता है उस पर ये अपने विचार रखेंगे। अजीत दुबे जी सदस्य साहित्य अकादमी भारत सरकार के पद पर विराजमान है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व भोजपुरी सम्मेलन के और ये पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली सरकार के भी। इसके अतिरिक्त इन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर चलते हुए लगातार यह प्रयास किया है जो सबका साथ हो और सबका विकास हो। इसके लिए इन्होंने भोजपुरी समाज दिल्ली के ये 22 वर्षों से अध्यक्ष रहते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं भोजपुरी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने का और इन्होंने अपने सेवा काल में इतने बड़े पद पर ये भारत सरकार के कार्यकारी निदेशक रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। ये अपने सेवा काल में भी राष्ट्र की सेवा के साथ साथ समाज और समाज के उन लोगों का जो राष्ट्र के विकास में लगातार काम करते रहे हैं उन्हें यथासंभव सहयोग देने का काम किया। इसीलिए आज जब बात कर हम चर्चा करते हैं अजीत दुबे का तो नाम भले ही अजीत दुबे एक व्यक्ति का हो लेकिन जब इनके अंदर झांका जाता है तो आपको एक नहीं अनेक संस्थाएं देखने को मिलेगी जो ये लगातार राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए सबका साथ सबका विकास हो इसके लिए कर रहे हैं। अजीत दुबे जी आपका नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर स्वागत है। धन्यवाद दलित जी, आभार। दुबे जी आप सबसे पहले यह बताइए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके संदर्भ में आप राष्ट्र को और खास करके आने वाली पीढ़ी जो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है और कोरोना की महामारी के बाद तो संपूर्ण विश्व ही हताश हो उठा था और अब फिर से एक नया जीवन का सिलसिला शुरू हुआ है तो आप क्या बताना चाहेंगे राष्ट्र को आने वाली पीढ़ी को? ललित जी कल यूनेस्को ने विश्व मातृभाषा दिवस पूरी दुनिया में मातृभाषाओं को सम्मान देने के लिए कई दशकों पूर्व डिक्लेयर किया था। उसकी बैकग्राउंड ये थी कि 50 के शुरुआती दशक में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ये फरमान जारी किया कि पूर्वी पाकिस्तान में भी उर्दू नेशनल लैंग्वेज होगी, जिसका वहाँ लोगों ने विरोध किया। वो विरोध बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते धरना प्रदर्शन और 21 फरवरी 1952 ढाका मेडिकल कॉलेज के सामने दर्जनों नौजवान इस डेमोंस्ट्रेशन में शहीद हो गए। 90 के दशक में यूनेस्को ने उनकी याद में हर साल पूरी दुनिया में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाने का आह्वान किया, संकल्प किया और हम लोग भारत में भी इसको मातृभाषा दिवस के रूप में जगह जगह पूरा देश मनाता है मातृभाषाओं को सम्मान देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके बढ़ावा के लिए।
दुबे जी, जरा आप इस पर थोड़ा और विस्तार से इस देश को और आने वाली पीढ़ी को बताएं, जो कि इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे हुई, और आज जो यह स्वरूप आया है सामने, इसके पीछे कैसे कैसे कदम बढ़े। आजादी के बाद भारत में मातृभाषाओं के विषय में तीन बड़े सरकारी निर्णय, आजादी के बाद ये साल मनाया जा रहा है अमृत साल के रूप में। 1950 में जब भारत के संविधान में 8th शेड्यूल में 14 भाषाओं को रखा गया, सरकार का पहला निर्णय मातृभाषाओं के प्रति वो था। कालांतर में सन 2004 में जब तमिलनाडु में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाने के लिए उग्र आंदोलन हुआ, तो DMK ने अपने संकल्प पत्र में लिखा, अगर हमारी सरकार बनेगी तो तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलेगा। DMK की सरकार बनी और UPA गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार में क्लासिकल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट शुरू किया और सबसे पहले तमिल भारत की क्लासिकल लैंग्वेज बनी। उसकी देखा देखी साउथ की और भाषाओं ने भी ये मांग रखी और कालांतर में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम एंड संस्कृत, इनको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। लेकिन शास्त्रीय भाषा के पैरामीटर्स भी बनाए गए और उस पैरामीटर के अनुरूप जो मातृभाषाएं उसमें आती थी उसको क्लासिकल भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। सन 2014 में UPA सरकार थी, उड़िया को शास्त्रीय भाषा की ग्रुप में जोड़ने के लिए पैरामीटर्स में अप्रूवल मिली और उड़िया देश की 6ठी शास्त्रीय भाषा बनी। ये तो दो निर्णय हुए और तीसरा निर्णय जो वर्तमान मोदी सरकार का सराहनीय निर्णय कि भाषा नीति जो सरकार की आई है, एक बहुत ही विलक्षण काम हुआ है मातृभाषाओं के लिए। ध्रुव जी, आप बहुत विस्तार से बता रहे हैं जो किस प्रकार से भाषा का यहाँ विस्तार हुआ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठ जाता है, क्योंकि आप नेशनल TV चैनल कात्यानी पर बात कर रहे हैं तो राष्ट्र यह जानना चाहता है, जो कि आप भोजपुरी समाज दिल्ली के 22 वर्षों से अध्यक्ष हैं और इस संगठन के जो है अध्यक्ष पद पर बहुत बड़े बड़े लोग पहले भी रह चुके हैं, आप लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व भोजपुरी सम्मेलन के, और आपने विश्व भोजपुरी सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यही दिल्ली के द्वारका डाबरी में आपने किया था, जिसमें मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, उस समय के केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित अनेकों गणमान्य व्यक्ति जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वे सारे लोग पधारे। लेकिन जिस भोजपुरी के लिए आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसे संविधान में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे प्रमुख कारण है, जब तक मिलजुल के सामूहिक प्रयास और धारदार प्रयास नहीं होगा और जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये कठिनाई रहेगी। लेकिन बौद्धिक रूप से इस विषय को समझने की जरूरत है। जो 14 भाषाएं आरंभ में जिनको मान्यता मिली, उसके बाद सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, इन 8 भाषाओं को समय समय पर उस ग्रुप में जोड़ा गया 8th शेड्यूल में। और जो सेंसस भारत का जनसंख्या का आया 2011 का, वो 2018 में आया, तो एज पर सेंसस ये बात बड़ी क्लियर हुई कि इन 8 भाषाओं के बोलने वाले की कुल संख्या 3.47 करोड़ है, 3.5 करोड़ भी नहीं है। जबकि सेंसस में जो हिंदी के ग्रुप में जो हिंदी की सह भाषाएं हैं
सबसे बड़ी भोजपुरी, फॉलोड बाय राजस्थानी एंड देर आफ्टर छत्तीसगढ़ी। सेंसस दिखा रहा है कि 5.5 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं और 2.5 करोड़ के आसपास राजस्थानी। इस संख्या में विवाद हो सकता है, लेकिन अपरेंटली अगर इसको हम लेके चलें तब भी इन 8 भाषाओं के बोलने वालों की कुल संख्या से भी भोजपुरी भाषी अधिक है। अब विषय क्या है? कि विषय यह है कि जो विसंगति 50 में उस समय नहीं समझा गया कि आगे दिक्कत हो सकती है, या तो 8th शेड्यूल को समाप्त कर दिया जाए या 8th शेड्यूल के पैरामीटर्स जल्द बनाए जाए। समाप्त कर दिया जाए इसलिए कह रहा हूँ कि 8th शेड्यूल से जुड़ी हुई बहुत सारी सुविधाएं हैं जो उन्हीं भाषाओं को मिलती हैं जो कि मान्यता प्राप्त भाषाएं। उदाहरण के लिए, मैं साहित्य अकादमी का दिल्ली राज्य का प्रतिनिधि हूँ। साहित्य अकादमी हर साल भारत में 24 भाषाओं में युवा पुरस्कार, बाल पुरस्कार, ट्रांसलेशन पुरस्कार और मेल पुरस्कार, हर भाषा में 24 भाषाओं में 4000 पुरस्कार देती है, 96। लेकिन भोजपुरी जो एज पर सेंसस भारतीय भाषाओं में 7वें नंबर पर है, वो इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल नहीं। दूसरा, भारत के सबसे बड़े भाषा के पुरस्कार, साहित्य के पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार, उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं के अलावा और भाषा एलिजिबल ही नहीं। तो ये इतना बड़ा जो 7वें नंबर की भाषा है वो एलिजिबल नहीं है, और जिस भाषा को 22वें नंबर पर बोलते हैं लोग, बोड़ो, जिसको बोलने वालों की संख्या 14,83,000 है, कोंकणी को बोलने वाले 22,97,000 है, सिंधी को बोलने में 27 लाख लोग हैं, तो जो इन छोटी छोटी भाषाओं को जो एलिजिबिलिटी है और सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से बड़ी भाषा जिनकी 5 करोड़ से ऊपर संख्या है, भोजपुरी या राजस्थानी या छत्तीसगढ़ी, वो क्यों वंचित है? तो ये विषमता है। इस विषमता को दूर करने का तरीका है कि भारत में सिर्फ 8 भाषाएं ऐसी हैं जिनको राज्य सरकारों ने समय समय पर 8th शेड्यूल में शामिल करने की सिफारिश की है। बिहार से भोजपुरी के लिए प्रस्ताव आया, राजस्थान के से राजस्थानी के लिए आया, और छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ी के लिए आया। ये तीनों भाषाएं क्रमशः हिंदी की सबसे बड़ी सहभाषाएं हैं, भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी। इन तीनों भाषाओं का रिकमेंडेशन भी स्टेट गवर्नमेंट से आया है, ये तीनों उन 8 भाषाओं में हैं जिनका रिकमेंडेशन है। तो सरकार को भाषाई न्याय करने के लिए, न्याय दिखने के लिए, अविलंब इन 3 भाषाओं को मान्यता प्राप्त कैटेगरी में ऐड कर देना चाहिए। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि भोजपुरी एक विश्व भाषा है। भोजपुरी को मॉरिशस में और नेपाल सरकार ने मान्यता दिया है, राजस्थानी को नेपाल सरकार ने मान्यता दिया है। तो भोजपुरी और राजस्थानी जो विश्व भाषाएँ हैं जिनको इनको मान्यता दुनिया में मिली है, भारत में कोई नहीं। तीसरी बात, नेपाली भाषा को जिस तरह से मान्यता है नेपाल में, भोजपुरी को नेपाल में, नेपाली को भारत में, तो भोजपुरी को तो भारत में होना ही चाहिए, ये मेरा कहना है। आप सुन रहे थे अजीत दुबे जी को, जो किस प्रकार, कहाँ, कौन सी भाषा बोली जा रही है और वहाँ उसका क्या स्थिति है, और भोजपुरी की उपेक्षा लगातार आज़ादी के बाद भी इस देश में कैसे हो रहा है, इस पर उन्होंने बताया, जो कि भोजपुरी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो अभी नहीं मिल पाया है। अब कहीं जाए नहीं, अभी समय है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर लौटते हैं और बात करेंगे अजीत दुबे जी से, जो आगे इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। बहुत छोटा सा ब्रेक, अभी लौट कर आते हैं। देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह, राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ, कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें।
और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाते समय हम बात कर रहे थे भोजपुरी समाज के नायक अजीत दुबे जी से। अजीत दुबे जी बता रहे थे जो भोजपुरी लगातार यहाँ क्यों उपेक्षित हो रहा है, और आज हम इनसे बात कर रहे हैं विशेष रूप से विश्व मातृ भाषा दिवस जो 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो हम अजीत दुबे जी से चर्चा करेंगे विश्व मातृभाषा दिवस के संदर्भ में। इसके संदर्भ में इन्होंने जो अब तक यात्रा किया है, उसी यात्रा के क्रम में उन्हें किस प्रकार का अनुभव हुआ, ये राष्ट्र के साथ साझा करें ताकि राष्ट्रवासी भी जाने विश्व मातृभाषा दिवस के महत्व को, और जो जान रहे हैं और दिल खोलकर अपनी मातृभाषा का प्रचार प्रसार करें, उसके लिए संघर्ष करें, आवाज उठाएं, और जो नहीं जानते हैं वो इसे जानें, और मातृभाषा दिवस क्या होता है, क्यों मनाना चाहिए, इस पर अजीत दुबे जी प्रकाश डालेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम वेंकट नायडू जी अक्सर अपने संबोधन में कहते हैं कि भारत में सबसे अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, हिंदी ही हमारी संपर्क भाषा है, लेकिन हमें साथ साथ अपनी मातृभाषाओं को भी पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। एक बहुत दार्शनिक सोच। मातृभाषा धीरे धीरे अगर उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो क्रमशः वो छोटी भाषाएं लुप्त होती जाएंगी, और मातृभाषा एक संस्कृति को भी जोड़ती है। अगर मातृभाषाएं लोप होंगी तो कालांतर में संस्कृति भी लोप हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी मातृभाषा के साथ अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, आज से 182 साल पहले जब मॉरिशस में भारत के लोग माइग्रेट हुए, गिरमिटिया मजदूर, अपने साथ अगर वो रामचरितमानस हनुमान चालीसा ले गए तो अपनी संस्कृति भी ले के गए, और मॉरिशस आज दुनिया का पहला देश है जहाँ भोजपुरी भाषा को संवैधानिक मान्यता है। मॉरिशस में 250 सरकारी स्कूल हैं, उन 250 स्कूलों में भोजपुरी भाषा की पढ़ाई होती है। मॉरिशस सरकार ने यूनेस्को को भोजपुरी गीत गवनई को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धरोहर बनाने का प्रस्ताव भेजा, जो यूनेस्को ने अप्रूव किया। दुनिया के 192 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं उनमें 160 से अधिक देशों ने मॉरिशस के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। ये कुछ उदाहरण मैं आपको देख बता रहा हूँ कि किस तरह से मातृभाषा के प्रति दूसरी सरकारों को भी उत्साह है, सम्मान देने की परंपरा है। भारत के संदर्भ में ये वर्तमान सरकार जो नई भाषा नीति आई है एक बहुत ही एग्जम्पलरी काम हुआ है, लेकिन अगर आपने क्लासिकल लैंग्वेज में 6 भाषाओं को कैटेगराइज किया, उसके लिए पैरामीटर्स बनाए, अगर आपने भाषा नीति पर डिबेट किया और पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो संविधान की 8वीं सूची के पैरामीटर क्यों नहीं रिविजिट हुए, आपने क्यों नहीं उसको अब तक बनाया। मेरा मानना है
ये सरकार एनडीए सरकार एक सरकार है जो सही बातों को समझती है। मोदी जी ने खुद पार्लियामेंट में बातों को समझाने के लिए अपने संबोधन में कई बार भोजपुरी को यूज़ किया, जैसे पीछे उन्होंने कहा था कि ना खेलो ना खेले देव खेलवे बिगाड़ो, उस तरह से ही सूरीनाम के राष्ट्रपति ने जब पहली बार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से बात की तो उन्होंने अपने संबोधन में भोजपुरी भाषा का ही इस्तेमाल किया। और प्रधानमंत्री मोदी तो स्वयं एक ऐसे क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बनारस जो भोजपुरी भाषी है। तो मेरा ये कहना है कि जो अन्याय हुआ, जिन सुविधाओं से बड़ी भाषाएं अब तक वंचित रहीं, अब दो काम करने का समय है। एक, 8th शेड्यूल को रिविजिट किया जाए, उसके पैरामीटर्स अविलंब बनाए जाएं, किसी भाषा को निकाला ना जाए, सब भाषाएं बड़ी हैं लेकिन बड़ी भाषाओं को तो वो सुविधा मिलनी चाहिए जो कुछ लाख बोलने वाले भाषाओं को है। ये विसंगति दूर करने का ये सही समय है। और मेरा ये निवेदन है कि विश्व मातृभाषा दिवस एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपनी मातृभाषाओं के विषय में चंचन करें, मंथन करें और जो विसंगतियां सरकारी नीति में उसको दूर करने के लिए निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें। ध्रुव जी, आप जो बात कर रहे हैं भारत सरकार को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम आपसे यह जानना चाहते हैं जो आज जब हम लोग विश्व मातृभाषा दिवस पर चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, तो भोजपुरी के एक चर्चित गायक मनोज तिवारी आपको अपना अग्रज मानते हैं, जगदम्बिका पाल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वे भी आपके साथ हैं, मेघालाल जी हैं वो भी आपके साथ हैं, मतलब अनेकों हमने तो जहाँ तक आपको देखा है जाना है हमने देखा है जो कि कोई भी ऐसा राजनेता, चाहे कांग्रेस के समय में चिदंबरम जी रहे हों या अटल जी के समय की बात हो या अभी वर्तमान में मोदी सरकार की बात हो, सभी जगह भोजपुरी को सम्मान दिया जाता है और आपको एक सम्मानित पद पर हमेशा विराजमान रखा गया है। आप आज भी सदस्य हैं साहित्य अकादमी भारत सरकार के, जो 1918 से आप इस पद पर हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भोजपुरी सम्मेलन के, आप पूर्व में दिल्ली सरकार द्वारा जब शीला दीक्षित कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी तब भी आपको जो है दिल्ली भोजपुरी अकादमी का जो है सो दिल्ली सरकार ने उपाध्यक्ष के पद से नवाजा, और इतने बड़े बड़े लीडर, इतने बड़े बड़े गायक जो भोजपुरी में सुपरस्टार है, अगर उसके बावजूद भी जो सम्मान भोजपुरी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है देश के सामने और भोजपुरी समाज के सामने। आपने ललित जी बहुत सही बात कही, मनोज जी भी इस विषय में प्रयासरत हैं, जगदम्बिका पाल भी कई बार कॉलिंग अटेंशन मोशन, रवि किशन जी पहली बार जब शपथ लेके आए तो उन्होंने इस लोकसभा में पहला प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किया भोजपुरी की मान्यता, तो उन लोगों को प्रयास में कहीं कमी नहीं है, तो लोग चाहते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस दिन सरकार की इच्छा शक्ति हो जाएगी भोजपुरी को मान्यता मिल जाएगी। अभी देखिए अच्छी बात, हम लोग कई सालों से प्रयासरत थे कि बिहार में भोजपुरी अकेडमी है, दिल्ली में भी भोजपुरी एकेडमी 2008 से है, मैथिली भोजपुरी एकेडमी, मध्य प्रदेश में भी भोजपुरी एकेडमी है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में भोजपुरी भाषी रहते हैं, 8 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, यूपी में क्यों नहीं। इस बार आपको जान के खुशी होगी कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 22 के विधानसभा चुनाव का जो इशू किया है उसे मेंशन किया है कि भोजपुरी एकेडमी, ब्रज अकेडमी, अवधि अकेडमी और बुंदेलखंडी अकेडमी, 4 मातृभाषाओं की अकेडमी यूपी सरकार बनाएगी भाषा के विस्तार और संवर्धन के लिए। यह मातृभाषाओं के लिए एक अच्छी पहल है। मैं सिर्फ भोजपुरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भारत की सभी मातृभाषाओं को फलने फूलने का अवसर मिलना चाहिए, समान अवसर मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जो बड़ी भाषाएँ हैं मातृभाषाएँ,
जिनको की राज्य सरकार से मान्यता का अनुमोदन हो चुका है, उनके साथ अविलंब अन्याय को रोका जाए। जो सुविधाएं छोटी भाषाओं को हैं वो उनको भी मिले। ध्वजी, आप प्रारंभ से सबका साथ सबका विकास की बात करते रहे। आप प्रारंभ से ही राष्ट्र सर्वप्रथम के सिद्धांत पर आप चलते रहे, और आपसे जब कोई कभी मिला आपने उसे यह प्रेरणा देने का काम किया, जो भाषा अपनी मातृभाषा का महत्व प्रत्येक व्यक्ति जाने समझे और राष्ट्र को सर्वप्रथम माने, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को विकास की गति पर दौड़ाने के लिए सभी को सबका साथ लेकर सबके विकास की दिशा में काम करना चाहिए। अक्सर लगता है जब हम बात करते हैं आपसे और जब आपके अंदर के दर्द को महसूस करते हैं, जब भोजपुरी की बात होती है और इस तरीके की समस्या से भोजपुरी मातृभाषा जिनकी है, जब उनसे हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और अब तक उत्तर प्रदेश में भोजपुरी अकेडमी का नहीं बनना एक बहुत बड़ा सवाल था। यह बहुत ही खुशी का अवसर है, हम जब चर्चा कर रहे हैं विश्व मातृभाषा दिवस पर और आप यह जानकारी दे रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है, जो अब अगर बीजेपी की सरकार यूपी में आती है तो योगी जी इन चार मातृभाषाओं पर अकादमी बनाने का काम करेंगे। यह बहुत ही सुखद संदेश होगा उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए और भोजपुरी भाषियों के लिए। आप ने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है और इस भाषा के लिए आप लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। कोई भी देश का मीडिया नहीं है, प्रिंट मीडिया, जो आपकी बात को सबके सामने लाने का काम ना करता हो, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर भोजपुरी अब तक वह स्थान नहीं पाया है, तो आप जब कभी अकेले में होते हैं तो आप क्या अनुभव करते हैं? देखिए, भोजपुरी विश्व में लगभग 20 करोड़ लोग बोलते हैं। ये भाषा 16 देशों में बोली जाती है, लेकिन संसद में, संसद को ही, केंद्र सरकार को ही ये पावर है किसी भाषा को एक शेड्यूल में जोड़ने का। जब तक संसद इसको अप्रूव नहीं करेगा, सरकारी अप्रूवल नहीं होगा। अब तक संसद में 19 प्राइवेट मेंबर्स बिल आ चुके हैं, 5 बार लोकसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिस्पेक्टिव स्टेट होम मिनिस्टर मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर होम, इन्होंने आश्वासन दिया है कि भोजपुरी को मान्यता का बिल लाएंगे। और गजब तो तब हुआ जब यूपीए की सरकार में माननीय चिदम्बरम जी गृहमंत्री थे और जगदम्बिका पाल या संजय निरूपम का कॉलिंग अटेंशन मोशन था जगदम्बिका पाल का, उस पर चिदम्बरम जी ने जवाब दिया, भोजपुरी में बोले एक तमिल भाषी गृह मंत्री जो शायद हिंदी में भी कभी बोलता हो, वो भोजपुरी में बोला कि हम रउआ सबके भावना के समझता नहीं, अगला मानसून सत्र में एक में बिल ले आवल जाए। एक बहुत ही सुखद अनुभूति थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से और सरकार की इच्छा शक्ति की कमी की वजह से 5 बार फ्लोर पे आश्वासन देने के बाद, 19 प्राइवेट मेंबर्स बिल आने के बाद आज तक ये कार्यान्वित नहीं हो सका है। लेकिन पुनः मेरा ये मानना है कि सही बात को कहने का साहस हो, हम सब हिंदी भाषी हैं कि मेरा गर्व है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। हमारा किसी भाषा से द्वेष या दुराव नहीं। डॉक्टर केदारनाथ सिंह पद्मश्री, वरिष्ठ हिंदी के साहित्यकार, कहा करते थे कि भोजपुरी हमार घर, हिंदी हमार देश, न घर छोड़ सकता हूँ न देश छोड़ सकता हूँ। सबका साथ सबका विकास, हिंदी यूएन की भाषा बने, मुझे बहुत खुशी होगी, हम सबको खुशी होगी।
साथ साथ यूनी भी हिंदी राजभाषा से राष्ट्रभाषा बने, मैं उसमें भी खुशी हूँ। मैं 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के असेंबली हॉल में विश्व हिंदी सम्मेलन, श्रीमती गिरजा व्यास तत्कालीन मंत्री उसका सभापतित्व कर रही थी, मैं और मेरी श्रीमती जी भी उसमें आयोजन में शामिल थे। जब गिरजा व्यास जी ने कहा कि हम लोग पुनः प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी यूएन की भाषा बने, सब लोगों ने ताली बजाई और मैंने जोश में जोरदार ताली बजाई। हम चाहते हैं कि हिंदी यूएन की भाषा बने, लेकिन हिंदी संख्या बल से यूएन की भाषा नहीं बनेगी। हिंदी यूएन की भाषा बनेगी माननीय मोदी जी के पर्सनैलिटी से, एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिसने इंटरनेशनल ओरा में नई ऊंचाइयां छुई हैं, उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, भारत का जो आज वर्ल्ड स्टैंडिंग है उसकी वजह से हिंदी यूएन की भाषा बनेगी। दूसरा, राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनना तो सभी राज्यों की सहमति के ऊपर है। तो इन दो चीज़ों पर भोजपुरी भाषी और अन्य भाषी, हम सब हिंदी भाषी हैं, चाहते हैं, लेकिन जो सुख सुविधाएं से हम वंचित हैं उस पर सभी को सोचना होगा। और भोजपुरी और राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी, ये तीन भारतीय और तीन बड़ी मातृभाषाएँ, उनके प्रति भी न्याय होना चाहिए, ये हम लोगों की सोच है, ये मुझे कहना है। बहुत बड़ी बात आप नेशनल टीवी चैनल पर दुबे जी कह रहे हैं, और निश्चित रूप से अब तक हमारा यह सौभाग्य रहा है जो जब कभी भी हम किसी भी मुद्दे को लेकर अपने चैनल पर आए हैं और आकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का काम किया, तो सरकार ने उस पर गंभीरता से विचार किया है और उसके साथ न्याय हुआ। तो उम्मीद है जो आज जब हम आपके साथ विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर भोजपुरी के दर्द पर चर्चा कर रहे हैं, तो वर्तमान केंद्र सरकार और बहुत ही सर्वमान नेता के रूप में विश्व में एक अपना स्थान बनाने वाले हिंदी भाषी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोजपुरी के इस दर्द को अनुभव करेंगे, और भोजपुरी सहित अन्य जो भाषा मातृभाषा है जिसकी चर्चा आपने किया है उसे भी सम्मान मिलेगा। और जब अगली बार हम कभी आपसे चर्चा करेंगे या विश्व मातृभाषा दिवस पर जब हम अगली बार आपसे मिलेंगे, तो निश्चित रूप से यह खुशी के क्षण हम दोनों आपस में बांटेंगे और चर्चा करेंगे जो आपके इस प्रयास से भोजपुरी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला। हम बात को समाप्त करने से पहले, चूंकि आज हम आप बात कर रहे हैं विश्व मातृभाषा दिवस के अवसर पर, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो आने वाले जेनरेशन को, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाषाई रूप से हमें हिंदी जरूर पढ़नी चाहिए, भारत की सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन जैसा उपराष्ट्रपति जी कहते हैं कि हिंदी के साथ साथ हमें अपनी मातृभाषाओं को भी पढ़ना चाहिए, उसी से हमारी संस्कृति का हमसे जुड़ाव होगा। मुझे सिर्फ यही कहना है, हर भाषा को उसका उचित सम्मान मिलना चाहिए, और हम सब पुस्तकें पत्रिकाएं खरीद के पढ़ें। होगा क्या कि भोजपुरी भाषा जैसे पत्रिकाएं पुस्तकें निकलती हैं, लोगों में खरीद के पढ़ने का शौक नहीं है, वो एक समर्पण है, वो एक डेडिकेशन है। आप देखिए आज जितने नेशनल चैनल्स हैं, सबसे बड़े अखबार जो देश में है, 10 में से 8 या 9 हिंदी भाषी, एक टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़ के कोई अंग्रेजी का अखबार टॉप 10 में नहीं है, क्योंकि हम सब हिंदी भाषी हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी को और मजबूत किया जाए। लेकिन हिंदी तभी मजबूत होगी जबकि सहयोगी भाषाएं और हिंदी की सहभाषाएं भी मजबूत होंगी। सबका साथ सबका विकास, हिंदी बढ़े मातृभाषाएं भी बढ़े, ये मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत दुबे जी, हम अब यहीं विदा लेंगे क्योंकि समय की एक सीमा है और हम उस समय की सीमा के अंदर ही हम किसी चर्चा को कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। हम आपसे आग्रह करेंगे आप अन्य समाचारों के लिए
बने रहें नेशनल टीवी चैनल पर राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम। राष्ट्र सर्वप्रथम।